सब्सक्राइब कीजिए राधाज किचन चैनल को सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए, और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपके पास हमारी सभी रेसिपीज की जानकारी सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधा है और राधाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं हरे प्याज की चने की दाल तड़के वाली, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, यह इतनी स्वादिष्ट होती है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं हरे प्याज की चने की दाल तड़के वाली। आज हम एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है हरे प्याज की चने की दाल की तड़के वाली सब्जी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जिसकी सामग्री इस प्रकार है। एक कटोरी मैंने हरा धनिया ले लिया, जिसको अच्छे से धो के और बारीक काट लिया है। 5-6 हरी मिर्च ले ली है। इसमें हरी मिर्च ज़्यादा डलती हैं, तो इसलिए मैंने हरी मिर्च का क्वांटिटी ज़्यादा ली है। आप चाहें तो इसकी मात्रा कम ले सकते हैं। एक पिंच हींग है, एक चम्मच लाल मिर्च है, एक चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1.5 चम्मच धनिया है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच जीरा है, 5-6 लहसुनों को मैंने बारीक काट लिया है, 1/2 टीस्पून ही गर्म मसाला है, आधा चम्मच, आधा चम्मच ही नमक है स्वाद के अनुसार, या तो स्वाद के अनुसार समझ लें आप, या आधा चम्मच। और 1 कप मैंने चने की दाल ली है, जिसको मैंने 2 घंटे गुनगुने पानी में भिगोया, अच्छे से धोया और इस तरह से रख लिया। और 250 ग्राम मैंने हरी प्याज ली, जिनको अच्छे से धो लिया, इस तरह से इनका डंठल काट लिया और इनको बारीक काट लिया। मैंने आपको दिखाने के लिए ये हरी प्याज को रख लिया कि मैं आपको काट के दिखाऊंगी, तो मैं इस तरह से इसको यूं करके काटूंगी। अब मैं इसको इस तरह से छोटा छोटा काट लेती, इसी तरह से काटा था मैंने, आप भी इसी तरह से काट लें। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और इसके मैंने हरे पत्तों को भी साथ में काटा है, मैंने प्याज प्याज को नहीं काटा है। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको पूरा पूरी प्याज को काटा है। इस तरह से देखिए, मैंने इसको धो दिया था और यहाँ से पीछे से थोड़ा सा काट लिया, और अब ये मैं पूरी काट दूँगी, बिल्कुल भी हरे पत्तों को भी यूज़ करूँगी। तो मैं आपको इसलिए पूरा काट के दिखा रही हूँ, मैंने पहले काट ली थी प्याज, लेकिन दिखाने की वजह से ही आपको ये पूरा प्रोसीजर किया है। अब मैंने हरी प्याज को सबको काट लिया है, अब बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने एक बड़ी कटोरी ले ली है, इसमें मैं सारे मसाले डाल के और इनको थोड़ा सा पानी में भिगो लेती हूँ। धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी में डाल देती हूँ, हींग, और ये नमक भी डाल दिया अभी। ये सारी चीज़ डाल के और इसमें ये थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अब मैं इसको एक साइड रख देती हूँ और अब बनाना शुरू करती हूँ। अब मैंने एक कुकर ले लिया, कुकर में ये 1/2 चम्मच ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, और ये देख सकते हैं आप इतना ऑयल लिया है मैंने, और ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं सबसे पहले डालती हूँ जीरा। अब आप देख सकते हैं मेरा जीरा भुन गया है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कटे हुए लहसुन। इसमें कटे हुए लहसुन इसलिए डालते हैं क्योंकि ये चने की दाल है जो बादी करती है, तो इसलिए इसमें लहसुन और अदरक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाली जाती है, तो इसलिए गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये लहसुन मेरे भुन चुके हैं। अब मैं डालती हूँ ये हरी मिर्ची। और अब मैं डालती हूँ इसके बाद ये हरे प्याज। सारे हरे प्याज डाल दिए मैंने। अब मैं इनको थोड़ी देर भूनती हूँ। मैं आपको भूनने के बाद फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से कम मैं इनको 3-4 मिनट तो भूनूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने 3 से 4 मिनट इनको अच्छे से भून लिया, और आप देख सकते हैं ये इस तरह से हो गए हैं। इनको अच्छे से इसलिए भूनते हैं क्योंकि ये आपस में चिपके नहीं, खिले खिले रहे हैं। इनको कम भूनते हैं तो ये थोड़ा सा चिपकने जैसे हो जाते हैं, तो इसलिए इस तरह से इतना भूना है मैंने। आप देख सकते हैं थोड़े ये मुलायम से हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो मैंने मसाला घोल के रखा था, ये पूरा मसाला। मैं थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें ही डाल देती हूँ, जिससे मसाला अच्छे से भुन जाए। ये पानी भी डाल दिया मैंने थोड़ा सा,
1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें पानी डाला है। और अब मैं इसको मसाला भुनने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब मेरा मसाला भी भुन चुका है, आप देखिए किस तरह से इसमें ये तेल छोड़ दिया और ये बबल से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है। ये देखिए कितना अच्छे से तेल छोड़ दिया मसाले ने। मसाला भुनने के बाद मैं इसमें डालती हूँ चने की दाल। ये चने की दाल डाल दी मैंने इसमें। अब मैं इसको थोड़ा भून लेती हूँ चने की दाल से भी। गैस का फ्लेम मैंने ऑल टाइम मीडियम रखा है, आप चाहें तो बीच बीच में हाई भी कर सकते हैं। इसको चने की दाल को भी मैं इसमें अच्छे से भून लेती हूँ 1-2 मिनट के लिए। अब मैंने दाल को भी 2 मिनट भून लिया है और आप देखिए इस तरह से भुन गई है। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। मैं पानी आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपको किस तरह से पानी डालना है। इसमें आपको पानी डालना है ये दाल डुबोने से 1/2 इंच ऊपर। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि ये दाल थोड़ी गाढ़ी बनती है तो ये दाल पूरी डूब जाए और 1/2 इंच इसमें ऊपर पानी रह जाए, इतनी ही पानी डालना है इसमें। इसमें मैंने 3 कप पानी डाला है, ऐसे मैं आपके नाप के आपको पानी बता रही हूँ कि मैंने 3 कप पानी डाला है। और वैसे ही आप अगर नाप के ना डालना चाहें तो इससे 1/2 इंच ऊपर दाल से बस। अब ये 1/2 इंच ऊपर कर दिया मैंने और इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अब मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ और इसमें 4 सीटी ले लेती हूँ। 4 सीटी के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये मैंने इसका ढक्कन लगा दिया और अब 4 सीटी इसमें लगा लेती हूँ। अब मैंने इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे 4 सीटी लगा ली थी और ये इसको इसकी स्टीम पे छोड़ दिया था। अब देखिए इसमें बिल्कुल स्टीम नहीं है और अब मैं इसको खोल के देखती हूँ। देखिए इसमें परफेक्ट पानी, परफेक्ट सब कुछ। और अब मैं आपको इसकी दाल को दिखाती हूँ कि ये गली है कि नहीं गली है, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है। तो देखिए ऐसे भी देख सकते हैं आप, खिल गई है और देखिए बहुत अच्छे से गल चुकी है ये दाल, बहुत ही अच्छे से गली है। ये देखिए अब मेरी सब्जी बनके तैयार है। अब मैं गैस चालू करती हूँ पहले। ये मैंने गैस चला दी और अब मैं इसमें डालती हूँ गरम मसाला। ये गरम मसाला डाल दिया मैंने और इसको हिला दिया। अब मैं इसमें डालती हूँ हरा धनिया। हरा धनिया भी डाल के इसको थोड़ा सा हिला दिया। अब आप देख सकते हैं इसमें खदके आ रहे हैं। ये देखिए पक रही है दाल। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के और पका लेती हूँ, जिससे धनिया और गरम मसाले की खुशबू अच्छे से सब्जी में आ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स मेरी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए इस तरह से ये थोड़ी खड़ी खड़ी सी बनती है, तो ये आपको देखिए बिल्कुल तैयार है बनके। अब मैं इसमें तड़का लगा लेती हूँ, आपको तड़का और दिखा देती हूँ लगा के। फ्रेंड्स मैंने 1/2 चम्मच देसी घी में 1/4 टीस्पून जीरा डाल के इसको इस तरह से भून लिया और अभी ये मेरा तड़का तैयार हो गया। अब मैं इस कुकर में इस तड़के को डाल देती हूँ। अब मेरा ये तड़का तैयार हो गया है, अब मैं इसमें ये तड़का डाल देती हूँ। ये डाल दिया मैंने और ये ढक दिया। अब मैं इसको एक बार अच्छे से हिला देती हूँ और मेरी गर्मा गर्म हरे प्याज की, चने की दाल की तड़के की सब्जी तैयार है। और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब मेरी हरे प्याज की, चने की दाल की तड़के वाली सब्जी बनके तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी वीडियो लेकर फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।